इंटेग्रिटी, सेल्फ अप्रूवमेंट, लीडरशिप, टीम वर्क, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बेटा जी इन पांच चीजों पे काम नहीं ना करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। इंडिया, यस, ओह इंडिया इतना खूबसूरत कब से हो गया? चाइनीज को देखे तो क्या पाकिस्तान में नहीं है चाइनीज? यहाँ पर भी तो आ ही जाते हैं। वो तो आ जाते हैं लेकिन जिस तरह की इनकी बिल्डिंग्स बनी हुई मेरे मन में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज के साथ, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयद नकवी। जी तो नाज़रीन, आज मैं जिस सिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ वो इंडिया का शहर ढोलरा है, जिसमें जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो ढोलरा के अंदर स्मार्ट सिटी अनाउंस करवाएं, और वो बताई तौर पर उन्होंने अनाउंस करवा दी है। क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी स्मार्ट सिटी देखने में नजर आ रही है? इन फ्यूचर कोई स्मार्ट सिटी आएगी भी या नहीं? तो आइए आवाम से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। तो मैं चलिए आवाम से बात करने। क्या लग रहा है सर आपको देखने से, कौन सी है ये? इंडिया तो नहीं। कैसे पता चला आपको? ऐसे पता चला कि ये हमसे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। पर इसके आगे जो है वो ज्यादा तरक्की है, इसके आगे भी चाइना इस तरह करके है। तो आपको वीडियो देख के लगा नहीं कि ये दुबई या फिर चाइना लग रहा हो? आपने सही जवाब दिया, आपने सही पहचाना है, ये इंडिया है। अच्छा सर, ये इंडिया की जो सिटी है ढोलरा है, ठीक है, वो जो सिटी है ना वो नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो ढोलरा को ना एक स्मार्ट सिटी बनाए, क्या कहेंगे पहले तो आप इस पे? ये बेटा जी, अगर हमने तरक्की करनी है ना तो हमें वो दीन इस्लाम के पांच रुकन तो है ही है। वो देखें यूरोप में, देखें कि वो उनका अगर कुत्ता बीमार हो जाए ना उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ठीक है ना। इधर इंसान सड़क पे पड़ा उसको नहीं पूछते, ये हमारी बेसी है, ठीक है बेटा जी। बात ये है कि हम जब तक इंटेग्रिटी, सेल्फ अप्रूवमेंट, लीडरशिप, टीम वर्क, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बेटा जी इन पाँच चीज़ों पर काम नहीं ना करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं बेटा जी, ठीक है। आप और मैं, आप भी 3 लाख की मकरूज है, मैं भी 3 लाख का मकरूज है, ये जो गाड़ी में जा रहा है ये भी 3 लाख का मकरूज है। हाँ, मुझे कोई किसी ने कोई 1 रुपया भी दिया है, मैं 3 लाख का मकरूज किस तरह हो गया? ये आप, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे, फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। लाहौर लग रहा है, कैसे पता चला लाहौर? वीडियो देख के आइडिया हुआ मुझे, आइडिया हो गया। अच्छा लग रहा है क्या आपको कि लाहौर भी एक स्मार्ट सिटी है इस टाइम? तकरीबन थोड़ा बहुत क्यों, पूरा क्यों नहीं है? बस ज्यादातर यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। लेकिन रूल्स तो कहीं भी पाकिस्तान में फॉलो नहीं किया जाता, सिर्फ लाहौर नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लो तो नहीं करते हम, करते हैं ऐसे ही है। अच्छा ये जो सिटी है ये लाहौर तो नहीं है, उसके अलावा कौन सी हो सकती है? लाहौर नहीं है, नहीं पाकिस्तान ही नहीं है। कराची? मैंने कहा पाकिस्तान ही नहीं है, पाकिस्तान ही नहीं है। आउट ऑफ है दुबई, ये जो व्यू है वो तो दुबई का ही लग रहा है। अच्छा कंफर्म के दुबई है? कंफर्म दुबई है, नहीं ये दुबई नहीं है। ये थोड़ा चलो एक हिंट दे देते हैं, ठीक है, ये जो कंट्री है ना उससे हमारे ताल्लुकात नहीं अच्छे। ताल्लुकात नहीं अच्छे? अमेरिका? नहीं, मतलब शुरू से हमारे उनके साथ दुश्मनी चली आ रही है। इंडिया? यस, ओह इंडिया इतना खूबसूरत कब से हो गया? वाह, साथ ही कैसे खूबसूरत हो गया भाई, वीडियो दिखा रही हूँ तो हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये जो इंडिया की जो है ना ये सिटी है ढोलरा, ठीक है, इसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है इंडिया की। अच्छा क्या कहोगी इस पे कि इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है? और देखने में तो लग रहा है, मुझे तो मतलब देख के हुआ ही नहीं कि ये इंडिया हो सकता है। देखिए ना दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ हम कितने पीछे रह गए और इंडिया कहाँ निकल गया? कहाँ निकल गया, क्या वजह हो सकती है हमारे पीछे रहने की? यही बस कुछ वजीर आजम का कहेंगे, वो कुछ नहीं तवज्जो करते, अपना अपना लगे हुए हैं सारे। अच्छा। और कुछ हमारी जो आवाम है वो अगर वजीर आजम को शेड्यूल बना दे तो उसको फॉलो नहीं किया जाता। बिल्कुल, चाइनीज को देखे तो क्या पाकिस्तान में नहीं है चाइनीज? यहाँ पर भी तो आ ही जाते हैं। वो तो आ जाते हैं लेकिन जिस तरह की इनकी बिल्डिंग्स बनी हुई मेरे मन में, ये तो चाइना ही लग रहा है। अच्छा कंफर्म है कि चाइना है? हाँ ठीक है। नहीं ये चाइना नहीं था, आप बताएं आप कौन सी हो सकती है? चाइना नहीं हो सकता, न्यूयॉर्क हो सकता है, ये भी नहीं है।
अच्छा चलें थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ, ये जो कंट्री है ना, ये इसके साथ हमारा कल्चर बहुत मिलता जुलता है। कल्चर बहुत मिलता है, फिर तो इंडिया है, इंडिया के साथ हमारा कल्चर बहुत मिलता है। हाँ पहुँच गए ना, देखा मैंने कहा था ना मैं हिंट दूंगी पता चल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये इंडिया का कौन सा शहर है कि जिसमें स्मार्ट सिटी अनाउंस हो चुकी है? मुंबई हो सकता है? नहीं, जरूरी थोड़ी है कि हर शहर मुंबई और दिल्ली में ही हर किस्म की तरक्की आएगी। अगर मुंबई नहीं है, दिल्ली नहीं है, तो फिर ये कौन सा हो सकता है? आप बताओ। चलो मैं बता देती हूँ, ये इंडिया का शहर ढोलर है, ठीक है, जहाँ पर स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो वहाँ पर अनाउंस करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है पाकिस्तान में कब तक ये आएगी स्मार्ट सिटी, आएगी भी या नहीं? नहीं देखें, जिस तरह इंडिया जो है वो हमारे से ज़्यादा इकानमी के लिहाज से ज़्यादा अच्छा कंट्री है, डेवलपमेंट मेरे ख्याल में कंट्री है वो, हम तो अंडर डेवलपमेंट है, और उसकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा अच्छी है, वो जिस तरह की टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह विद इन 5 years आई जाएगी। आर यू श्योर? मुझे तो नहीं लगता कि आएगा 5 साल में, इंशाल्लाह उम्मीद तो आ जाएगा। यहाँ पर वैसे छोटी सी झलक देखने में नजर तो आती है कि जैसे अगर ये चलान किस तरह आजकल हो रहा है, वो छोटी सी झलक तो नजर आ ही रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया वालों के साथ? कंपैरिजन वैसे बनता तो है, लेकिन वो आप हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। किस लिहाज से बनता है? लेकिन कंपैरिजन इकोनॉमी के लिहाज से मेरे साथ बन सकता था, लेकिन जिस तरह के हमने 1947 के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के सासे रह चुके थे, और इंडिया के पास मेरे ख्याल में थोड़े से काम थे, लेकिन उस लिहाज से वो आप हमसे बहुत ज़्यादा निकल आगे निकल जाते थे और हम पीछे रह गए। क्या लग रहा है हमारे पीछे रह जाने की क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल में हमारी टेक्नोलॉजी का लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इकोनॉमी इशू, पॉवर्टी, इस तरह के जो भी इशूज है वो मेरे ख्याल में ये इशू है। अच्छा लास्ट पे आपकी मैसेज देना चाहते हैं? यही कि बस अपने मुल्क के साथ वफादारी के साथ काम करें, तो इंशाल्लाह शायद ये मुल्क आगे जा सके। काफी सारे रीजन है, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। अच्छा ये रीजन है, हम ये चलो आप मैंने मान लिया आपका ये रीजन है, आप ये बता रही हैं, ठीक है। अगर मैं इस सिटी के बारे में बात करूँ, जो मैंने वीडियो में दिखाई है, ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो इंडिया के अंदर एक सिटी है ढोलेरा, उसको स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं। स्मार्ट सिटी में अब चेंजेस ये आ सकते हैं कि हर चीज कंप्यूटराइज हो सकती है, ठीक है, जगह जगह कैमराज लगे हैं, ठीक है, और AI सिस्टम बहुत ज्यादा है। क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई स्मार्ट सिटी बनेगी? उम्मीद तो है इंशाल्लाह। कौन बनाएगा, इमरान खान या फिर नवाज? दोनों बहनों उम्मीद है। तो फिर आप तो खुद बनानी है जाके? हमारी कोशिश है कि तहरीके लबैक, अच्छा, तो उनको सपोर्ट करते हैं हम। असल में अवार्ड इस्लाम को होना चाहिए, ना इमरान खान ना नवाज शरीफ, कुछ भी नहीं है ये दोनों ही। अच्छा। जो तहरीके लबैक है वो है इस्लाम पे चलना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा। वो इस्लाम को अवार्ड जाता है हमारा जी। सही। अच्छा अगर लाहौर अगर स्मार्ट सिटी बन जाती है, क्या लगता है कि यहाँ के लोग सीधे हो जाएंगे या फिर नहीं? मुझे नहीं लगता। आवाम को देख के, जिस तरह की जाहिल आवाम है हमारी यहाँ, यानी कि कोई अभी भी नजर नहीं आ रहा कि कुछ बेहतरी आएगी, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देखिए ना, इंडिया और हमसे हम दोनों एक साथ साथ हुए, उसने स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोग्राम भी बना लिए हैं, और हम यहाँ लोगों को नहीं सुधार पा रहे हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। क्यों नहीं कर पा रहे हम? ये तो मुझे नहीं पता, आवाम को पता है। अच्छा अच्छा चले लास्ट पे कोई मैसेज दे दें। नहीं चले आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन है किसी भी वे में, स्टडी के या IT की फील्ड में? मुझे आइडिया नहीं है। नहीं नहीं है कंपैरिजन? नहीं। अच्छा अच्छा चलो लास्ट पे कोई मैसेज दे दें आप। मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, और क्या नाम लेते हैं, ज़्यादा यही होता है कि नमाज की तरफ जाएँ, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, इससे ही जो है ना हालात चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा
नहीं मुझे नहीं पता, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। माशाल्लाह मैं तो एक जमात पढ़ा हूं, तो माशाल्लाह ग्रेजुएशन की हुई है। मुझे पता है नहीं है 3 लाख का क्या सीन है, आपने बात की है ना। 3 लाख का ये जो तुम हमारे ऊपर 121 डॉलर का जो कर्ज है उसको डिवाइड करें 125 करोड़ में डिवाइड करें तो क्या क्या अमाउंट क्या आती है। मैंने एक जमात पूरी पढ़ी है उसके बाद मैंने अच्छा तो हम तो इससे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा ही टैक्स पे कर रहे हैं फिर भी हमारे मुल्क का कर्जा नहीं खत्म। मैं ये टैक्स देने के लिए या छुट्टी के दिन भी काम पे जा रहा हूँ। वही ना, फिर भी आपने जो एस्टिमेट लगाया वो 3 लाख का कर्जा है ठीक है, लेकिन फिर भी हम उससे ज्यादा ही टैक्स दे रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क का वो कर्जे में ही गिरा है। बेटा जी जब तक जो आपकी सैलरी है, अगर मैं सरकारी जॉब जो आपकी सैलरी है जो मेरी सैलरी है इसमें बिलीव नहीं ना करूंगा तो हम तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा। इसमें आगे बड़ी बातें निकलती हैं फिर वो टाइम नहीं है, वो समझने वाले जो इशारा ही बहुत है। अच्छा सर मैंने बात ये करनी, ये बात मैंने बड़ी पॉइंट की, आपने उसको इग्नोर कर दिया है। हम अपनी सैलरी पे ही बिलीव करें और जो हमारी ड्यूटी है जो हमारा काम है उसी मेरे हम साइडों में टांगे ना अड़ाए। अच्छा ठीक है ना, तो फिर हम कामयाब है। इसका जवाब मैं आपको एंड पे दूंगी कि मेरी सैलरी कितनी है, फिर आप हैरान हो। बात सुनिए, बात ये है कि ये ISO 9002 9001 ये आपने सुना होगा ना, इंटरनेशनल जो करती है जो अपना कैरिफाइड करते हैं जो कंपनियों को। बेटा जी अगर वो इसे मसाल ले लें, ये वो शूज की दुकान है सामने, बूट शूज है ठीक है ना, तो उसमें जब एंटर होना है ना तो जिस जगह पे बिल काटना है ना वहाँ पे बिल ही काटना है, उस जगह पे आप कस्टमर को कोई चीज़ नहीं दिखा सकते, यानी उसको कस्टमर को डील नहीं कर सकते, कस्टम डील करने की जगह ले रही होगी ठीक है, फिर स्टॉक बड़ा उसकी जगह लैदा होगी, फिर जो डिस्प्ले उसकी जगह लैदा होगी, हर काम में एक डिसिप्लिन होता है, एक तरीकाकार होता है ठीक है ना। अब बिल काटने वाला जाके वो कस्टमर को डील कर रहा है ठीक है जी, और जो स्टॉक जिसके जो स्टॉक कीपर है वो आगे बिल काट रहा है, तो ये हो जाता है तलपट हो जाता है ठीक है ना। बात ये है कि अब ये टाइम ऐसा जा रहा है जिसका जो काम है ना उसको वही करना चाहिए ठीक है ना। नहीं सर आप मुझे ये बताएं क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई स्मार्ट सिटी बनेगी इन फ्यूचर? जी मैंने 5 पॉइंट बता दी है, सिटी एक स्मार्ट सिटी छोड़ के कौन सी है, चले बताएं कौन सी है। मैंने आपको 5 पॉइंट, इंटीग्रिटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इंटीग्रिटी, राष्ट्रवादी पे चले स्मार्ट सिटी कहीं बन जाएगी, यानी कि नहीं है अभी है नहीं ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बेटा जी सारों के आगे जहाँ और भी है, मुझे एक जगह स्टे तो नहीं ना करना, एक स्मार्ट सिटी छोड़ के कहीं बन जाएगी ठीक है। लीडरशिप वो लीडर एक सामने आए आके वो लोग माने कि ये लीडर है। अच्छा। आ गया टीम वर्क, जो एक कबीना में या एक टीम वर्क में बैठ के जो बात हुई है, जो नहीं अगर उसमें ना है तो सबकी ना है, अगर हाँ तो सबकी हाँ, ये टीम वर्क होता है। अच्छा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वो आम आ जाती है, तो बेटा इन पे काम करे ना, क्यों नहीं करते? आपको नजर आ रहा है ऐसे हो रहा है? ऐसा ही है। नहीं ऐसे हो रहा है, बताए मुझे ऐसा ही है, कहते रही हूँ। नहीं बताए हो रहा है क्या नहीं हो रहा? हाँ जी बताए ऐसा ही है, ये नहीं कहेंगे नहीं हो रहा। अगर ऐसा अगर जिस दिन ऐसा होना शुरू हो गया ना उस दिन कई स्मार्ट सिटी बन जाएंगे बेटा जी। अच्छा हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, लेकिन मैं अभी की बात कर रही हूँ अब है कि नहीं। बेटा जी मैं भी अभी की बात कर रहा हूँ कि ये दादा आसान वाली है ना, ये दादा सरकार है ना, उनके खजाने का कभी ऑडिट सामने आया? बताए मुझे नहीं। उसका 12% इस्तेमाल करते हैं लंगर में लोगों पे, बकाया किधर जाता है? जिसका जो काम है उसको करना चाहिए, उसका 12% जो लंगर खाने में इस्तेमाल होता है लंगर में होता है, बकाया 88% किधर जाता है? वो यूरोप कंट्री में बेटा वो आवाम को ऑडिट करके बताते हैं हमारे खजाने में ये है, हमारे खजाने में ये, हमारे खजाने में ये, आज हमारा इतना खर्चा हुआ। मुझे ये यूरोप कंट्री के एक वजीर आजम थी, मुझे नाम भूल गया उसका, उसने खजाने में से खाना लेके खा लिया, उसके उसके उस पर केस हो गया, उसने कौम से माफी मांगी। ये होती बेटा खाए जा रहे हैं कोई उन पे एक्शन। मेरी छोटी बात में बहुत बड़ी बात है बेटा जी, ये होती इंटीग्रिटी, इस पे काम करना चाहिए। उसने वहां से माफी मांगी, मुझे नाम भूल गया उसका, काफी पुरानी, इतनी पुरानी भी नहीं, 2 साल पुरानी बात है। तो बेटा जी वो जो वाम का खजाना उसमें से खाना खा लेना, तो उससे भी माजरत करते हैं वो, जो उनकी सैलरी होती है वही। अब देखें बरतानिया इलेक्शन हो रहे हैं, उसने ग्राम से असम्बलियाँ तय कर दी हैं, अब उसने 4 जून का अपने क्रिकेट डेट दे दी है कि अब डेट को इलेक्शन हो गए, नॉर्मली चल रहा है।
लीडर को पता नहीं वो किसी के पास में गिटार आ जाए, वो कहता है पता है मैं बादशाह बन गया, मैं अमेरिका का भी बादशाह बन गया, मैं यूरोप का बादशाह बन गया, मैं बड़े शरीर का बादशाह बन गया, पता ना क्या बन गया। इधर तो एक आम बारहवें तेरहवें ग्रेड का बंदा नहीं महान है तो फिर अच्छा सही लास्ट पे आपकी मैसेज देना चाहेंगे। ओ बेटा ही सारे मैसेज ही हैं, बस मुझे इजाजत दे। जी तो नाज़रीन आपने सुनी आवाम की राय, और आखिर उनको ऐसा क्या लगता है कि पाकिस्तान में कब तक स्मार्ट सिटी आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।